स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम अपना नया जो चैप्टर है, नया जो पार्ट है, पार्ट 5, वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है पार्ट 5 का? संख्या पद्धति। 1 से लेकर 4 तक के जो हमारे पार्ट है, वो पार्ट हमारे पूरे हो चुके हैं हमारी सभा, है ना। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, वो आज हम पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम भी कहते हैं, तो हम इसको शुरू करेंगे। तो और जो अभ्यास है, वो है अभ्यास 4। तो सबसे पहले हम जो है पार्ट का नंबर क्या है वो लिखते हैं, और पार्ट का नाम लिखते हैं। पार्ट 5 है, नाम है संख्या पद्धति। किसी भी चीज़ का इंग्लिश में भी पता होना ज़रूरी है। हिंदी मीडियम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश में बिल्कुल पता नहीं हो। थोड़ा बहुत तो किसी का पता होना ही चाहिए कि संख्या पद्धति को का मतलब क्या होता है। तो इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं, संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नंबर कहते हैं। और पद्धति का मतलब होता है सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। और जो अभ्यास है, वो अभ्यास जो हम शुरू करेंगे, अभ्यास है 4। अभ्यास कौन सी है? अभ्यास 4 शुरू करेंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक अंक का क्या लिखना है? स्थानीय मान। तो स्थानीय मान लिखना है तो मैं आपको पहला जो प्रश्न है उसकी पूरी हेडिंग में लिखवा रही हूँ, यानी पूरा प्रश्न नहीं लिखवा रही हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ सिर्फ स्थानीय मान। लिखो, अब यहाँ पे हमें पता है कि प्रत्येक का लिखना है, क्योंकि प्रश्न में प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान लिखने के लिए कहा, ठीक है। तो स्थानीय मान हम किस तरीके से लिखते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे एक बार हम प्रश्न लिख लेते हैं पहले। सैकड़ा, दहाई और ये इकाई, मैंने यहाँ आगे से लिखना शुरू करा है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न अभी फिलहाल लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना हमेशा इकाई के अंक से शुरू किया करें। हमें यहाँ पे लिखना है स्थानीय मान। क्या लिखना है हमें? स्थानीय मान। ये हमारा पहला प्रश्न हमने लिखा है। दूसरा प्रश्न ही हम एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि एक प्रश्न से कभी भी समझ में नहीं आता है। दहाई, ये अगला प्रश्न, इसमें भी हमें स्थानीय मान लिखना है। सारे में ही हमें स्थानीय मान लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्थानीय मान का मतलब क्या होता है और कैसे हम स्थानीय मान निकालते हैं। स्थानीय मान का मतलब, जब मैंने आपको बताया है कि हम इस तरीके से करते हैं, हम शुरुआत किससे करते हैं? इस तरीके से, इकाई से। हम इस तरफ से शुरू करते हैं और इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इकाई, फिर इसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा। इकाई का मतलब होता है एक संख्या या एक नंबर को हम लेते हैं। इकाई में हम कौन सी नंबर को लेके? 1 से 9 तक की संख्या में हम 1 से 9 तक की जो भी संख्या होती है उन, क्योंकि वो एक अंक की संख्या होती है, इसलिए हम उनको इकाई के अंक में लेते हैं। समझ में आया? इकाई का मतलब होता है एक अंक की संख्या। तो 1 से 9 तक की जो भी संख्या है, या 0 जो भी है, 0 हो या 1 से 9 तक की जो भी संख्या है, वो एक अंक की होती है, इसलिए हम उसको इकाई के अंक में शामिल करते हैं। दूसरा होता है आगे, इकाई के आगे होता है दहाई। दहाई का मतलब होता है 2 अंकीय संख्या, या हम 2 अंकीय संख्या, 10 से इसको 10 से भी हम बताते हैं, तो 2 अंकीय संख्या में हम क्या, 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या अंकीय संख्या होती है? 2 अंकीय संख्या होती है। तो 10 से लेकर 99 तक के जो भी अंक हैं, जो भी संख्या है, उसको हम दहाई के अंक में शामिल करते हैं। और इसके बाद आता है सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, यानी 100 में कितनी 0 होती है? 1 के पीछे 2 0 होती है, तो कुल मिलाकर कितनी संख्या हो जाती है? 3 संख्या हो जाती है, 3 अंकीय संख्या हो जाती है।
तो 100 से लेकर हम 999 तक की संख्याओं को हम किस में शामिल करते हैं, सैकड़ा वाले में, ठीक है। तो इकाई में आपको समझ में आ गया, इकाई के अंक को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक दहाई में हम 10 लिखते हैं, यानी जो भी संख्या होती है उसके पीछे हम एक जीरो लगाते हैं। दहाई में क्या, इकाई के अंक में कोई भी जीरो नहीं लगता है, क्योंकि वो सिर्फ एक अंक की संख्या होती है, इसलिए दहाई के संख में हम अंक संख्या में हम एक जीरो लगाते हैं, और सैकड़ा में हम क्या लगाते हैं, दो जीरो लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब हम स्थानीय मान निकालते हैं। अब इसी के अनुसार हम स्थानीय मान लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। स्थानीय मान हमें प्रत्येक संख्या का, प्रत्येक अंक का लिखना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसी से शुरू करेंगे, 5 से। हम किससे शुरू करेंगे, 5 से। मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से बता देती हूँ, ऐसे एरो लगा के। 5 का जो स्थानीय अंक, स्थानीय मान होगा वो क्या होगा, 5 होगा। क्यों 5 ही होगा, क्योंकि स्थानीय मान या इकाई के अंक में हम सिर्फ एक अंकीय संख्या को ही शामिल करते हैं, तो एक अंकीय संख्या हो गई ना ये, तो सबसे पहले जिसका हमें स्थानीय मान निकालना है वो संख्या लिखनी है, और इसके पीछे अगर हमें जीरो लगाने की ज़रूरत है तो हम लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे दहाई के अंक में संख्या क्या है, अंक कौन सा है, 7 है। दहाई के अंक में संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये तो एक संख्या ही है, तो इसलिए हम एक जीरो लगा देंगे। अब ये 2 संख्या हो गई ना, 2 अंकीय संख्या को हम दहाई के अंक में शामिल करते हैं। तीसरा जो आ जाता है वो सैकड़ा, सैकड़ा में 3 अंकीय संख्या को शामिल करते हैं। तो अब सबसे पहले तो हमने जो संख्या जिसका हमें स्थानीय मान निकालना है वो लिखी, उसके बाद 3 अंकीय संख्या चाहिए, 3 अंकीय नहीं है तो 2 जीरो लगा देंगे। सैकड़ा में वैसे भी कितनी जीरो लगती है, 2 जीरो लगती है, इसलिए। और दहाई में कितनी लगती है, 10 में कितनी लगती है, 1 जीरो, इसलिए हमने 1 जीरो लगा दी। समझ में आ गया, ऐसे इसमें करेंगे। 4 का स्थानीय मान निकालेंगे, इकाई का अंक है, अंक में 4 लिखा हुआ है, इसलिए 4 का 4 रहेगा। दहाई के अंक में 1 जीरो आ जाएगा, और सैकड़ा के अंक में सबसे पहले संख्या लिखेंगे और उसके पीछे 2 जीरो। इस तरीके से हम स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक संख्या का अगर आपको पूछे तो इस तरीके से निकालना है। अगर आपको कोई स्पेशली किसी संख्या पर का ही पूछे, जैसे अगर यहाँ पे 7 का पूछते तो आप क्या लिए बताते, 70, ठीक है। जिस संख्या का पूछे उसी संख्या का हम इस तरीके से करेंगे। प्रश्न पहला हो गया। प्रश्न दूसरा जो हमारा है वो है, निम्नलिखित संख्याओं में केवल 6 का स्थानीय मान लिखना है। निम्नलिखित संख्याओं में, प्रश्न जो दूसरा है उसमें है, 6 का स्थानीय मान लिखना है, 6 का स्थानीय मान। और प्रश्न है हमारा, एक बार पहले तो 647, प्रश्न जो है वो 647 इकाई, दहाई। और अगर आपको प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो भी आपको पता होना चाहिए। आपको सिर्फ किसका बताना है, स्थानीय मान, स्थानीय मान किसका बताना है, सिर्फ 6 का। प्रश्न में ही 6 का पूछा है स्थानीय मान, तो 6 का है, इकाई, दहाई, सैकड़ा पर है ना। तो सबसे पहले संख्या लिखी 6, और सैकड़ा में कितने जीरो लगते हैं, 2 जीरो, ये 2 हो गए। और टोटल मिलाकर कितनी संख्या होनी चाहिए, 3 अंकीय संख्या होनी चाहिए ना। ऐसे दूसरा जो प्रश्न है उसमें है 576, इसमें 6 कहाँ पे है, ये इकाई के अंक में, तो इसका स्थानीय मान हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 6। तीसरा जो प्रश्न आ जाता है 962, इसमें इकाई का वो स्थानीय मान निकालना में 6 का, तो 6 का कहाँ पे, इकाई, दहाई के अंक में, तो दहाई के अंक में 1 जीरो लगता है, क्योंकि 2 अंकीय संख्या को हम दहाई में शामिल करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इकाई के अंक में कोई जीरो नहीं लगती है, दहाई के अंक में कितनी जीरो लगती है, 1 जीरो। संख्या लिखोगे और उसके पीछे 1 जीरो लगा दोगे, और उसमें कितनी जीरो लगती है, सैकड़ा में 2 जीरो लगती है, ठीक है। प्रश्न दूसरा भी हो गया हमारा। प्रश्न तीसरा, बॉक्स में लिखे अंकों का स्थानीय मान लिखिए। बॉक्स में लिखे अंकों का मतलब यहाँ पे जो संख्या, मतलब बॉक्स बनाए हुए हैं उसी संख्या का आपको स्थानीय मान बताना है। तो ये प्रश्न आप खुद करेंगे,
आपको वापस मैं बता देती हूँ, स्थानीय मान अगर आपको इकाई के अंक का लिखना है तो इकाई के अंक का स्थानीय मान लिखने के लिए आपको सिर्फ उस संख्या को लिखना है, क्योंकि इकाई के अंक में एक अंक ही संख्या को शामिल करते हैं, इसलिए उसके एक पीछे एक भी जीरो नहीं लगानी है। दहाई में अगर कोई संख्या है और उसका आपको स्थानीय मान निकालना है, तो दहाई की संख्या में दहाई का स्थानीय मान अगर आपको निकालना है तो उसके पीछे संख्या लिखकर उसके पीछे एक जीरो लगाओगे। और सैकड़ा में आप क्या करोगे, सैकड़ा में अगर कोई संख्या लिखी हुई है और उसका स्थानीय मान निकालना है, तो सबसे पहले वो संख्या लिखो और उसके पीछे दो जीरो लगा दो। तो इकाई में एक भी जीरो नहीं, दहाई में एक जीरो और उसमें दो जीरो, ठीक है। इस तरीके से आपको करना, तो प्रश्न तीन आप खुद करेंगे अभ्यास करने का, और अगर नहीं आता तो आप मुझे बता दीजिए। और सब स्टूडेंट अपना जो वर्क है वो अच्छी हैंडराइटिंग में करके स्कूल में अपनी कॉपी भेजना, और चेक करवाने के लिए, अगर आप चेक करवाने के लिए नहीं भेजेंगे तो आपकी एब्सेंट लगेगी उस दिन की, जिस दिन 3 डेज़ के लिए आपको बोला है ना, अगर किसी की कॉपी चेक हो जाती है तो उनकी 3 दिन प्रेजेंट लगेगी, अदरवाइज उनकी क्या लगेगी, एब्सेंट लगेगी। तो आपको अपनी कॉपी कमें अच्छे से अच्छी हैंडराइटिंग में वर्क करके कॉपी स्कूल चेक करने के लिए अपने पेरेंट्स के थ्रू भिजवानी।